टू ऑल द लवली पीपल वाचिंग दिस वीडियो मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सबका मामा मिया व्लॉग्स में so guys, कैसे हैं आप सब? I just hope, सब अच्छे होंगे मजे में होंगे। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए डेली वियर वाले कुछ एक आउटफिट्स लेकिन उससे पहले मैं बता दू कि आज की हमारी जो वीडियो है ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है बाय द ब्रांड योर लेडीज डॉट फैशनिस्टा बाय मीतू सोनी इससे पहले भी मैं उनकी वेलवेट कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और इस वक्त स्क्रीन पर भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा सो गाइज so अगर नहीं देखी ना तो डू चेक आउट दैट वीडियो बिकॉज उसके अंदर वेलवेट की बहुत अच्छी कलेक्शन उनकी जो कि आपके फॉर्मल वेयर के लिए बहुत बढ़िया कलेक्शन है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी तो आज करने वाली हूँ मैं उनके डेली वेयर के कुछ ऐसे आउटफिट्स जो कि आप पसंद करेंगे आई जस्ट होप कि आपको वो सब पसंद आएंगे सो so, बातों को ज़्यादा स्ट्रैच ना करते हुए चलते हैं सीधे से अपने पहले आउटफिट के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो काफ्तान जो कि सैटिन बेस्ड है मैं आपको दिखा दूं कि पहला काफ्तान जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इस तरीके से सैटिन में बना हुआ फ्लोरल प्रिंट वाला ये लाइट पिंक एंड मजेंटा पिंक का कॉम्बिनेशन आप देखिए इस तरीके का प्रिंट है इसका सो so गाइस पहले मैं आपको ये दिखा लेती हूँ कि गला इस तरीके से बना हुआ है इसका ये वी नेक है वी नेक पे ये एक पट्टी गोटा पट्टी ऐड की गई है ये एक एलिमेंट ऐड किया गया है इस पर और साइड्स में ये जो मजेंटा सैटिन है क्योंकि जो लाइट पिंक हमारा बेस है उसके ऊपर ये ब्राइट पिंक फ्लोरल प्रिंट होने की वजह से इसका ये कंट्रास्ट में ये पट्टी दी गई है सैटिन पट्टी देखिए और ये हमारे साइड्स में है और नीचे बॉटम पार्ट में है मैं इसका बॉटम पार्ट आपको दिखा दूं कि इस तरीके से ये एक फ्लोरल पैटर्न है बैक साइड इज लाइक दिस ये देखिए और ये नीचे से बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा आउटफिट है यार ये और यार बहुत सुंदर लगते हैं सीरियसली मेरे तो पर्सनल चॉइस है काप्तान जो लोग भी मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं वो उन्होंने उन, उनको पता होगा कि कितनी काप्तान ड्रेसेस मैं बना चुकी हूँ और इसके बाद सेकंड पीस भी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी ऑलमोस्ट इस तरीके का काप्तान है सेम उसी तरीके से वी नेक बनाया गया है एक एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से एक गोटा पट्टी ऐड की गई है ये जो है ना ये एक जैसे कहते हैं ना पीचेस रेड कलर में है ये इसका बेस और साथ में इसमें ये जो पट्टी दे रखी है साटर्न की ये रेड कलर की है बिकॉज ऑफ द फ्लोरल पैटर्न ये भी मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से पैटर्न है इसका ये देखिए ये इस तरीके से फ्लोरल पैटर्न बैक साइड से ये देखिए सो so गाइज़ ये दो पैटर्न्स जो मैंने आपको काप्तान के दिखाए हैं ये ऑलमोस्ट ये दोनों जो है ना ये फ्लोरल पैटर्न में और एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये आपको सब साइज़ में अवेलेबल हैं फ़िलहाल कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं लेकिन इसके अलावा जो भी आउटफिट मैं आपको आज दिखा रही हूँ इनमें से आप किसी को भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं फिलहाल दीज आर अवेलेबल इन ऑल द नॉर्मल साइजेस जो भी साइजेस जब आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो जो साइजेस आपको वहाँ मिलते हैं उसी तरीके स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल इस तरीके से सारे साइजेस आपके लिए अवेलेबल हैं बट इन केस अगर आप मेरी तरह कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं और आपको इनमें से कोई भी आउटफिट पसंद आता है तो आप उसे अपने साइज़ में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं उसके लिए आ, मैं अभी आपको बता दूं कि उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक छोड़ दिए मामा मिया क्लॉजेट का भी और साथ में यो लेडीज डॉट का भी आप किसी पर भी डीएम कर सकते हैं किसी भी आउटफिट के लिए लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट है अगर आप जाते हैं मामा मिया फैमिली की तरफ से देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर टेन इंस्टेंट डिस्काउंट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट नेक्स्ट आउटफिट है बहुत ही प्यारा इस तरीके से एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस यार लेयर्ड मैक्सी ड्रेस है ये और इसका कलर जो है ना बहुत प्यारा है आप देख सकते हैं ये ना खादी खादी टाइप जैसे होता है ना शेडेड uh, कपड़ा जो होता है प्योर कॉटन है ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन है यार बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है इसकी और साथ ही साथ इसमें ये इस तरीके से ये एक नेक बनाया गया है फोल्डेड नेक है यहाँ से ये चीज़ फोल्डेड है और इसके बैक साइड में ना ये जो स्ट्राइप वाला कपड़ा है वो लगाया गया तो इतना प्यारा नेक ये निकल के आया है प्लस उसके बाद ये फ्रंट में ये इसी कपड़े के ये बटन्स लगाए गए हैं और नीचे मैं आपको दिखा दूँ कि ये लेयर्ड है लाइक ये देखिए ये एडिशनल एलिमेंट ऐड है इसमें इस तरीके से लेस लगाई गई है और ये लेयर्स हैं इसमें रियली सो ब्यूटिफुल एम जस्ट लविंग दिस कलर यार इट्स सो कूल बहुत ही प्यारा कलर है और साथ में स्लीव्स तो बहुत सुंदर लग रही हैं स्लीव्स हैं इस तरीके से ये देखिए ये कट दिया गया है यहाँ से कट है और नीचे ये डिटेलिंग है ये डोरी लगाई गई है स्लीव्स पर और स्लीव्स के अंदर भी अगर आप देखें तो अगर आप कफ को फोल्ड भी करना चाहें ना यार इट्स रियली गुड हाँ बहुत अच्छा लग रहा है यार बहुत कंफर्टेबल रहती हैं यार पर्सनली आई लाइक मैक्सी ड्रेसेस और अगर मुझे सबसे अच्छा आउटफिट यही लगता है घर में पहनना ना तो आई जस्ट लव मैक्सी ड्रेसेस पहलो कूल cool सा और अपना जो होता है ना आपका एक आउटलुक भी घर के अंदर भी क्या होता है कि आपको अपना स्टाइलिश अगर लगना है ना तो इस तरीके के आउटफिट्स ना बहुत प्लस पॉइंट होते हैं सीरियसली बहुत अच्छे लगते हैं अब उसके बाद मैं दिखा रही हूँ ये बहुत ही प्यारा सा ये एक मैक्सी ड्रेस है लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है आ, एक ऐसा योग पोर्शन ये दिया हुआ है लाइक सबसे पहले तो इसका गला इस तरह से यू नेक है और साथ में ये जो आपको जैकेट टाइप लग रही है ना दिस इज नॉट अ जैकेट बट एन एक्स्ट्रा एलिमेंट एडेड ये जो ऐसा लुक बनाया गया इसका ये चीज एक्स्ट्रा ऐड करके कि ऐसा लगे जैसे आपने कोई जैकेट पहन रखी है इसके ऊपर और सबसे बड़ी यार सबसे प्यारी चीज क्या है कि येलो के ऊपर जो ये स्ट्राइप्स हैं ना व्हाइट एंड ब्लैक हो माई गॉड सीरियसली लुक्स अमेजिंग बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और स्लीव्स हैं इस तरह से इसकी थ्री फोर्थ और उसके अंदर भी देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पर तो स्ट्राइप्स को ऐसे रखा हो गया है और इधर ये देखिए एक पैटर्न ऐड करने की कोशिश की गई है स्टाइल पैटर्न और मैं पीछे से इसका लुक समझा देती हूँ आपको कि यही ऐसे ही फ्रंट में ही बना हुआ है ये देखिए इस तरीके से ये ये वाला पोर्शन जो है ना यहाँ तक ये अपर बॉडी है इसकी और नीचे इसको कलीदार रखा गया है लाइक और नीचे मैं आपको दिखाऊं कि नीचे बेस में ना वही सेम स्ट्राइप जो कपड़ा है वो लगाया गया है और उसी तरीके से एक पैटर्न ऐड किया गया है ये वाले नीचे बेस को ऐसे रखा गया स्ट्राइप्स को और ये जो ऊपर पट्टी लगाई गई है इसमें जो स्ट्राइप्स हैं उनको ऐसे रख के एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटमेंट ऐड की गई है ये देखिए और बहुत सुंदर लग रहा है ये चीज़ ना ये इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है तो जी ये है हमारा फोर्थ आउटफिट जो कि एक मैक्सी ड्रेस थी एंड नाउ कमिंग टू द फिफ्थ ड्रेस और ये भी एक मैक्सी ड्रेस है और इसका भी ना ऑलमोस्ट जो पहले वाला है ना उससे थोड़ा सा मिलता है जुलता पैटर्न है तो मैंने कहा उसके बाद अब आपको ये दिखाती हूँ ये सेम वही मटेरियल है जो पिंक वाला मैंने इससे पहले आपको दिखाया था वही कॉटन का ये इस तरीके से शेडेड वाला कपड़ा है और इसके अंदर इस तरीके से एक मेन्टेर नेक दिया गया है और आगे जो फ्रंट है ना उसमें अपर बॉडी में इस तरीके से ये एक ग्लास गला बनाया गया है ग्लास मतलब ऊपर जो कपड़ा लगाया गया वो ग्लास शेप में लगाया गया है एंड गाइस ये थ्री फोर स्लीव्स हैं जिसके अंदर उसी तरीके से सेम पैटर्न ऐड किया गया है लेकिन यहाँ पर ये जो है ना किनारी ऐड कर दी गई है ये देखे ये किनारी तीनों पॉइंट्स पर इसके एडेड है और उसी तरीके से सेम ये ऊपर वाला बॉडी ऐसे और नीचे इसको कलीदार बनाया गया ये कलीदार है और नीचे भी उसी तरीके से सेम वही पैटर्न है ये देखिए स्ट्राइप्स इस तरफ को जाती हुई और ऊपर ऐसे आती हुई अब मेरे पास बची हैं आपको दिखाने के लिए दो ड्रेसेस और वो जो दोनों हैं वो भी हैं मैक्सी ड्रेसेस जिनके पैटर्न से सेम सिर्फ प्रिंट का फ़र्क है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये देखिए ये है हमारी नेक्स्ट मैक्सी ड्रेस इसके अंदर ये एक इस तरीके का फ्लोरल कपड़ा जो है ना मटेरियल यूज़ किया गया है ये भी कॉटन है जिसको यूज़ किया गया और जो बहुत फाइन क्वालिटी कॉटन है यार ये और इसी तरीके से इसका ये बैन गला बनाया गया है और सामने से ना फ्रंट में ये देखिए ये एक पट्टी लगाई गई है जिसके ऊपर ये कपड़े के बटन्स ऐड किए गए हैं यू कैन सी और यहाँ से ये योग पोर्शन में ये एक आप पाइपिंग देख रहे हैं ये आ रही है इस तरीके से एक कट दिया गया है सेम ऐसे ही यहाँ पर और नीचे जो ये ये जो पोर्शन है अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जो, जो सेपरेट करता है जो पॉइंट वहाँ पर भी ये पाइपिंग दे रखी है बैक साइड से मैं आपको दिखा दूँगी बैक साइड से ये बिल्कुल प्लेन है सिर्फ ये जो प्लेट्स तो डाली जाती हैं फिटिंग के लिए वो दे गई हैं और नीचे से आपका नॉर्मल गैदर्ड प्लेट्स में बहुत बहुत कम प्लेट्स में जो है ना वो आपका बेस है और ये ऐसे ही है सिर्फ इसी तरीके से दे रखा है नीचे बेस में जो है लाइनिंग के अंदर कॉटन की लाइनिंग है जिसके अंदर ये जो स्टेफ आपका पेस्टिंग एक दे रखी है बेस में ताकि इसका लुक जो है ना थोड़ा सा अच्छा आए नीचे से और स्लीव्स जो हैं इसकी इस तरीके से बेल स्लीव्स दे रखी हैं और स्लीव्स के भी जो ज्वाइनिंग पार्ट है उसके अंदर ये पाइपिंग दे रखी है इट्स ऑल्सो अ ब्यूटिफुल पैटर्न बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका जो प्रिंट है ना वो इसको और भी अच्छा लुक दे रहा है सो so, उसके बाद दिस इज़ द लास्ट वन जो आज मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ इट्स ऑल्सो मै मैक्सी ड्रेस ये भी एक बैन गला बना हुआ है और एक पट्टी लगी हुई है और उस पट्टी के ऊपर इस तरीके के बटन्स लगाए गए हैं सेम ये पाइपिंग यहाँ पे ऐड की गई है और ये ये ग्रे एंड मरून कलर का प्रिंटेड इस तरीके का मटेरियल है कॉटन है और उसके ऊपर ये जो जो पाइपिंग है और जो बटन्स हैं मरून कलर के कंट्रास्ट कलर के दिए गए हैं ये इसकी स्लीव्स हैं स्लीव्स में ना इस तरीके के बटन्स एडेड हैं आप देख सकते इस पर लूप्स भी बना रखे हैं यार ये लूप्स भी बने हुए हैं कपड़े के उसी सेम और साइड्स में इसकी ये पाइपिंग है और नीचे उसी तरीके से ये जो है बट इसके अंदर ये जो लोअर बॉडी है उसको कलीदार रखा गया है ये आप देखिए ये जो पट्टी है ना इसके अंदर ये पूरी पट्टी है लाइक एंड तक पट्टी है और फ्रंट से दिस इज ओपन ये ड्रेस ओपन है तो अगर आप चाहें तो इसके नीचे लेगिंग्स भी आप इसे वो कर सकते हैं और इसे थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें तो एक ड्रेस बन जाएगी आपकी लाइक ब्लैक लेगिंग्स के साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं फ्रंट को इसके ओपन रख सकते हैं ये मतलब आप इसे दो तरीके से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्लस ये इसका बैक है लाइक दिस यहाँ तक अपर बॉडी इसकी और उसके नीचे कलीदार बॉटम सो so फ्रेंड्स कैसे लगे आपको हमारे आज के ये आउटफिट्स अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आया हो तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये सब आपको जो नॉर्मल साइजेस हैं स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सल उन सब में अवेलेबल है इसके अलावा अगर आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाना चाहते हैं दैट फैसिलिटी इज आल्सो अवेलेबल एंड इसको कैसे आप परचेज कर सकते हैं लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए इंस्टाग्राम हैंडल्स दोनों मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं यो लेडीज डॉट फैशनस्टा का भी और मामा मियाज क्लॉजेट का भी आप कहीं पर भी आप डीएम कर सकते हैं बट अगर आप मामा मिया फैमिली की तरफ से गए हैं देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर टेन इंस्टेंट डिस्काउंट और इसके साथ ही गाइज हमारे जो दोनों इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं द ट्रेंडी मामा मियाँ और मामा मियाज क्लाज दोनों को आप जल्दी से कर ले फॉलो क्योंकि मैं जल्दी लाने वाली हूँ आपके लिए एक बहुत 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 अच्छा सा गिव अवे जो कि हमारा फेस्टिवल स्पेशल गिव अवे होने वाला है इस बार के जो रूल्स होंगे ना उसके अंदर इंस्टाग्राम मस्ट होगा सो तो अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर ले क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो इसके अलावा भी बहुत सी ऑफ़र्स हमारी आजकल चल रही हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जल्दी कीजिए ना जल्दी से फॉलो कर लीजिए और उसके बाद अवेल कीजिए उन सब ऑफ़र्स को और साथ ही साथ आने वाले हर फेस्टिवल के लिए हर फेस्टिवल के लिए हर फेस्टिवल के लिए गिव अवे लेकर आने वाली हूँ मैं एंड गाइस इस वक्त हमारे नवरात्रि स्पेशल गिव अवे लाइव है इंस्टाग्राम पर नौ दिन नौ गिव अवे इसका हमारा ये फेस्ट है टुडे इज़ द थर्ड डे अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो अभी भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं फटाफट से अपनी एंट्री रजिस्टर कीजिए और आप चाहें तो रोज इसका पार्ट बन सकते हैं रोज़ अपनी एक एंट्री रजिस्टर करवा सकते हैं सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हमें फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई भी गिव अवे मिस हो जाए और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गिव अवे का पार्ट बने और जीते इसे तो अब लेती हूं आपसे इजाजत और मिलती हूं अगली वीडियो में कुछ और क्रिएटिव कॉन्टेंट के साथ तब तक के लिए ख्याल रखें अपना स्टे पॉजिटिव कीप रॉकिंग टेक केयर बाय।